आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। बांकुर नदी में मिले दो युवकों के शव, पुलिस जांच में जुटी। एक का शव नंदगांव तो दूसरे का शव कॉलेज के सामने मिला। सनावत नगर में निकलने वाली बांकुर नदी में पुलिस को सुबह दो शव होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एक व्यक्ति की गुमशुदगी दो दिन पहले ही थाने में दर्ज की गई थी। पुलिस पीएम रिपोर्ट और परिवार के बयान के बाद ही मामले में कुछ कह पाएगी। नगर के बांकुर नदी के आसपास के नागरिकों ने सूचना दी कि गुर्जर कॉलेज के सामने नदी में और ग्राम नंदगांव में दो अलग अलग युवकों के शव पानी में तैरते मिले। पुलिस टीम को भेजने के बाद पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि नंदगांव निवासी दशरथ पिता सीताराम पर्दे 35 वर्ष का शव नदी के नंदगांव क्षेत्र में है। पुलिस टीम द्वारा उसके शव का पंचनामा कर अस्पताल भेजा। इसी तरह इस नदी में एकता नगर में रहने वाले अन्य युवक नानक राम पिता रमेश उम्र 30 साल का शव मिला। पुलिस ने दोनों शव को पीएम के लिए सिविल अस्पताल भेजा। टीआई इंद्रेश त्रिपाठी ने बताया कि दोनों शव के बारे में पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का खुलासा हो पाएगा। पुलिस जांच कर परिवार के बयान दर्ज कर रही है। दोनों के शव पीएम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए। एक घंटे से अधिक समय तक नहीं आए चिकित्सक। नगर के सिविल अस्पताल में चिकित्सकों की कमी कोई नई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी पीड़ित परिवार भी विकट स्थिति में आने से परेशानी में पड़ जाता है। बुधवार को बांकुर नदी में मिले दो युवकों के शव को जब पुलिस और ग्रामीण सिविल हॉस्पिटल लेकर आए तो एक घंटे तक मौके पर कोई चिकित्सक मौजूद नहीं मिला। थाना प्रभारी द्वारा अस्पताल के डॉक्टर विजय कोरी से चर्चा की, जिसके बाद दोनों युवकों का पीएम कर शव परिजनों को दिए। अखिल भारतीय बलाई महासंघ के सुरेंद्र सिंह पवार ने बताया कि अस्पताल में चिकित्सकों की कमी को लेकर यहां पर व्यवस्था में सुधार किया जाए, जिससे ग्रामों से आने वाले ग्रामीणों को सही समय पर इसका फायदा मिल सके। आजाद हिंदुस्तान लाइव के लिए सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। क्या यहाँ पे ये आए हैं शव लेके, क्या मामला है और डॉक्टर कब से मतलब इंतजार कर रहे हैं? ये बड़ौद में बांकुर नदी जो है वहाँ पर आज सुबह सूचना मिली 8:30-9 बजे करीब करीब एक ही गांव में एक ही नदी में दो लाशें मिली गई है। और सबको पता है महापर्व दीपावली पर्व चल रहा है और दोनों डेड बॉडी करीब करीब दो घंटे से हॉस्पिटल में पड़ी है और पुलिस भी अपना काम कर रही है और कोई डॉक्टर के आते पते नहीं है। बहुत गलत बात है ये, क्योंकि गरीब वर्ग है और उनका पोस्टमार्टम हो जाता ताकि त्यौहार के दिनों में जल्दी जल्दी उनका दाह संस्कार कर दिया जाए। कोई मिल ही नहीं रहा है, अब किनसे चर्चा करें, हम लोग काफ़ी देर से बैठे हैं। दो शव मिले, क्या मामला, किस तरीके की जांच इसमें की जा रही है? आज सूचना प्राप्त हुई कि बांकुर नदी में एक एकता नगर के पास में एक शव मिला है और एक आगे नंदगांव है वहाँ पर एक शव मिला, जिसमें जो नंदगांव वाला शव है उसमें कल घुमिनसान कायम हुआ था। दशरथ पिता सीताराम पर्दे 35 वर्ष निवासी नंदगांव परसों रात से घर से चला गया था और अभी उसका शव मिला है। और दूसरा व्यक्ति है नानक राम पिता रमेश, ये 30 वर्ष का है, एकता नगर का निवासी है। ये भी एक दो दिन से दिख नहीं रहा था घर वालों को और इन दोनों पे मर्ग पंचवत किए गए हैं। दोनों शव का पीएम हो गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कथनों पर जो भी बात आएगी वैसी कार्रवाई की जाएगी।